नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी शक्करकंद से बहुत बढ़िया सा पेड़ा कैसे बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सा पेड़ा। मैंने पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 400 ग्राम शक्करकंद को अच्छी तरह से उबाल दिया है और उबाल के उसका ऊपर का छिलका उतार के रख लिया है। शक्करकंद हमारा इस समय बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको मैं मिक्सिंग जार में डाल करके एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए पेस्ट मैंने इस तरह से बनाया हुआ है इसका। इसी तरह से पेड़ा बनाने के लिए हमको पेस्ट तैयार करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को डाल के अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और कढ़ाई में इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे ताकि कढ़ाई हमारा अच्छे से चिकना हो जाए। जो शक्करकंद मैंने पीस करके रखा हुआ था उसको मैं इसमें डाल दूंगी और डाल करके अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको भूनना है। जब आप घी में अच्छी तरह से शक्करकंद को भून लेंगे तो इसका बेसिक स्वाद है वो बिल्कुल नहीं आएगा और मिठाई बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब मैं इसमें 250 ग्राम दूध डाल दूंगी और दूध डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। दूध में शक्करकंद को अच्छी तरह से मिलाना है और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसी तरह से गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और ये देखिए बहुत बढ़िया सा मावा बन के यहाँ पर तैयार हो गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। आप यदि पहली बार इस रेसिपी को बना रहे हैं तो इसको आप नॉन स्टिक की पैन में बनाइए, तब भी आपकी मिठाई बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। हमको आदत है इसको बनाने का तो मैं इसको कोई भी कढ़ाई में बना लेती हूँ। जो दूध मैंने डाला था वो अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम मिल्क पाउडर। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसी समय इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, नहीं तो अमूल का बटर डाल करके और इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर बहुत बढ़िया सा मावा बनके हमारा मिठाई के लिए तैयार हो गया है। और ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है और बहुत बढ़िया मावा तैयार हुआ है। इसी तरह का मिठाई बनाने के लिए मावा हमको चाहिए। सबसे आखिरी में मैं डालूंगी इसमें 50 ग्राम चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर कम लिया है क्योंकि शक्करकंद भी मीठा होता है, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और चीनी भी मीठा होता है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चीनी डाला है और डाल करके इसको इस तरह से मिला लेंगे। जब तक चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाता है तब तक हम इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर इसको और चलाना पड़ेगा। और ये देखिए बहुत बढ़िया सा हमारा मावा बनके यहाँ पर तैयार हो गया है। अब बहुत आसानी से इसका मिठाई बन जाएगा। इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मावा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको आप चाहे जो शेप चाहे दे सकते हैं। आप चाहे तो इस पेड़े में कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल पेड़ा बनाया है। हाथ में लेके इसका गोल सा लड्डू बनाएंगे और एक उंगली से हल्का सा प्रेस करेंगे। एक पेड़ा बना के आपको और दिखाती हूँ। इसी तरह से दोनों हाथों से इसको गोल कर लेंगे और गोल करके इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये देखिए बहुत बढ़िया सा पेड़ा बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पेड़ा कैसा बन के तैयार हुआ। रेसिपी देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।